जी सारा ने भाई ये बहुत तलंग उपाय जेगी थारे घर है ना, तो इन फेंकने की बजाय एक अच्छा यूज में लियो। और चलो ये बाप ने बताओ ये भी और ढक्कन है इसका, एक भाई और ढक्कन निकाल दा और ये वाला काट दा ताकि ये सही हो जाए। देखो या खुल गई स्त्रियां, इनने भी खोला। और भाई ढक्कन खोलती फिर यहाँ ध्यान रखियो कहीं चक्कू आपका हाथ में ना लग जाए, और आराम आराम तो भाई सही तरीके से काट लियो ताकि आपका चोट भी नहीं लगे। और फिर तीनों बोतलों को मतलब फुल पानी गर्म पानी लेके थोड़ा सा ठंडा मिला के उसको साफ कर लेंगे अच्छी तरह, और सर्फ डाल लेंगे थोड़ा ताकि इसमें दारू की बदबू ना आवे, और अच्छे से साफ कर लियो दो तीन बार। इसका कागज भी उतार लियो ताकि ये अच्छी लगे थोड़ी सी वो ना हो। और देखो एक तो कर दी मैंने, इसी प्रकार आप तीनों को साफ कर लेंगे और जल्दी जल्दी। और भाई पीछे तो गुड़िया खेल रही थी आपने दिखने लग रही है। और फिर भाई मैंने लिया एक एलोवेरा, एलोवेरा वाला और मनी प्लांट की मतलब बेल ली है जहाँ से थोड़ी थोड़ी फूट निकल रही है मतलब जड़ें निकल रही है वहाँ से, और इसको थोड़ा जड़ें नीचे छोड़ के फिर इसको काटना है। और एलोवेरा, एलोवेरा का जेल है, थोड़ा थोड़ा जेल निकाल के इस पानी में मिला देंगे ताकि भैया बेल है थोड़ी जल्दी फूट निकाल दे, जल्दी चल पड़े। और तीनों में इसको कस लेंगे, कस कस के इसका जेल निकल जाएगा, और आराम से करना है ताकि आपका भाई चक्कू हाथ में ना लग जाए धीरे धीरे। और ये देखो भाई इसमें डाल दिया, ये लार बनती है इसकी, और इससे क्या है भाई पौधा जल्दी फूट करता है, जल्दी चलने लगता है और ये ख़राब नहीं होता। और पानी इतना डालना है बोतल में मतलब ज़्यादा ऊपर तक पानी मत डालियो, नॉर्मली मतलब सही भर जाए बोतल इतना रखियो, थोड़ा ऊपर से खाली रख लियो ताकि भी बाहर ना खिंडे ये। और आपको भी ऐसी जड़ हो थोड़ी थोड़ी मतलब चाहे ऐसी ऐसी निकली हो थोड़ी थोड़ी उसको भी रख लेनी है। यहाँ से इसको कटिंग करेंगे।
ये जड़ है, ये देखो इसकी, ये भी निकली हुई है। अब इसको पत्ती हटा देंगे, अब भाई इस बेल की जड़ें थोड़ी सी लंबी है नीचे से, ये मैंने रख ली थी, काटी नहीं है, तो इसको आराम से सही तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और नीचे पूरी कर देंगे सही से, आगे मतलब ये बाहर ना निकले अच्छे से। और फिर इसको भाई ऐसी जगह पे रखनी है वहाँ जहाँ भाई ज़्यादा धूप ना हो, ना आवे और ज़्यादा छाँव भी ना रहे, मतलब नॉर्मली जगह हवा भी लगती रहे, इसको धूप में मिल जाए, नॉर्मली जगह। आप अंदर भी रख सकते हो इसको कहीं अपने शोकेस में, मतलब टीवी के पास कहीं भी अच्छे से रख सकते हो। ये पानी वाली है, ये ख़राब नहीं होगी, पानी के अंदर रहेगी और अच्छे से फूट निकलेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ती, ये थोड़ी बढ़ेगी। और ये देखो भाई लगे तैयार हो गई है, और ये कुछ दिन बाद में इनकी फूट निकल जाएगी, फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखो भाई कितने अच्छे लगते हैं। और इस तरह आप मतलब पुरानी चीज़ें वेस्ट ना जावे और आप घर में अच्छी तरीके से यूज कर सका और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगा सका, हाँ जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हुए हैं। और ये देखो भाई मन्नत इतने सारे लगा रखे हैं। और चलो अब आप भी इन बोतलों को वेस्ट ना जाने दो और अच्छी प्रकार से पौधे लगाओ इनमें। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बता देना आगे मतलब कैसी वीडियो डालूं। और आज जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चलते हैं अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।